हेलो गाइस, ट्रिपल सी एग्जाम सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अथर्व आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप 31 तारीख से पहले ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन करा लें और हमारी इस सीरीज़ को लगातार देखते रहें, जिससे कि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। हेलो गाइस, ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको बताना है कि सेल के एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन 1 फॉर्मूला बार, ऑप्शन 2 एड्रेस बुक, ऑप्शन 3 नेम बॉक्स, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नेम बॉक्स, यानी नेम बॉक्स के अंदर हम सेल के एड्रेस को देख सकते हैं। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चल के। देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर उस सेल का आपको एड्रेस दिखाई देगा, यानी ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में आप देख रहे हैं कॉलम नंबर D और रॉ नंबर 12, यानी आपका जो सिलेक्शन है इस टाइम वो D12 पर है। यहाँ आपको देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है D12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिट मोड में सेल एडिट करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है। अगर आप किसी सेल के अंदर कुछ मेटा टाइप कर चुके हैं और उसके बाद आपको उसे एडिट करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करके सेल को एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 F2, ऑप्शन 2 Ctrl+Shift+M, ऑप्शन 3 Ctrl+M, ऑप्शन 4 F3। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 F2, यानी F2 का यूज करके हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। इसको समझ लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर। देखिए यहाँ हम टाइप कर लेते हैं IACA। IACA टाइप करने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पर हमें IACA के आगे कंप्यूटर एजुकेशन और लिखना चाहिए था, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। या तो इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, लेकिन अगर हम माउस का यूज नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर F2 कमांड यूज करेंगे। जैसे ही आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर अंदर आ जाएगा और आप यहाँ से आगे जो भी कुछ टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं F2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला कॉन्क्रीट नेट ब्रैकेट ओपन CCC राहुल एज ऑथर ब्रैकेट क्लोज का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप कॉन्क्रीट नेट फॉर्मूला लगाते हैं इस तरह से तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा अगर आप किसी भी सेल के अंदर ये फॉर्मूला लगाते हैं। ऑप्शन 1 CCC, ऑप्शन 2 CCC राहुल, ऑप्शन 3 CCC राहुल एज ऑथर्स, ऑप्शन 4 CCC ऑथर्स। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 CCC राहुल एज ऑथर, यानी कॉन्क्रीट नेट फॉर्मूला से हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इसको समझते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर चल के। देखिए कॉन्क्रीट नेट फॉर्मूला किस तरह काम करता है। मैंने यहाँ टाइप किया अथर, यहाँ बराबर में टाइप किया रजा और उसके बराबर में टाइप किया नकवी। अब मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि कॉन्क्रीट नेट फॉर्मूला का यूज करके मेरा यहाँ पूरा नाम आ जाए, तो यहाँ इज इक्वल टू कॉन्क्रीट नेट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कराएंगे, उसके बाद देखिए फर्स्ट सेल का रेफरेंस देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड सेल का रेफरेंस देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर थर्ड सेल का रेफरेंस दे देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। जैसे ही आप एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पूरा नाम दिखाई दे जाएगा। तो इसी तरह से वो कॉन्क्रीट नेट फॉर्मूला से आपको दिया हुआ था कि वहाँ पर आपको वो जोड़कर दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। यानी अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और वहां पर कोई गलती हो जाती है तो इसमें से कौन सा चिन्ह आपको दिखाई देगा। ऑप्शन 1 डॉलर, ऑप्शन 2 मल्टीप्लाई, ऑप्शन 3 बैकस्लैश, ऑप्शन 4 हैश। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हैश, यानी अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं और वहां पर एरर आ जाता है तो एरर में वो हैश साइन को जरूर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करके हम एक सेल के अंदर एक नई लाइन भी बना सकते हैं। ऑप्शन 1 शिफ्ट, ऑप्शन 2 ऑल्ट, ऑप्शन 3 टैब, ऑप्शन 4 कंट्रोल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल, यानी कंट्रोल का यूज करके हम एक ही सेल के अंदर एक और नई लाइन या पैराग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पे चल के। देखिए यहाँ पर हमने टाइप कर रखा है IACA कंप्यूटर एजुकेशन। अगर हम चाहते हैं कि IACA कंप्यूटर एजुकेशन के जस्ट नीचे एक लाइन हम इंसर्ट करा दें, यानी सेल वही रहे लेकिन एक नेक्स्ट लाइन से हम लिखना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल दबाएंगे और जैसे एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे
यहाँ पर एक और लाइन इंसर्ट हो जाएगी, और अगर हम यहाँ कुछ अलग से टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा अगर हमें एक और लाइन इंसर्ट करनी है, फिर हम कंट्रोल दबाएंगे और एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे एक और लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यानी ये सारा काम जो हमने किया है वो एक ही सेल के अंदर किया है, लेकिन लाइन को ब्रेक करके किया है, यानी कि तीन लाइन में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन वन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन थ्री कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो आप वहां पर प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको भी समझ लेते हैं कैल्क पर चल के। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ओ के साथ हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, और अगर हम फिर से बैक जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर हम फिर से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कहीं फॉर्मेटिंग लगी हुई है, कोई कलर लगा हुआ है, कोई बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है और आप उसको हटाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करके आप फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं? ऑप्शन वन कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन टू कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन थ्री कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन फोर कंट्रोल प्लस आई। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल के साथ में एम यूज करके हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम कैल्क पर चल के। देखिए यहाँ पर हमने ये जो नाम दिया हुआ है, इस नाम पर यहाँ से रेड कलर लगा दिया और बैकग्राउंड पे येलो कलर लगा दिया और इसको बोल्ड करा दिया। यानी हमने इस पर तीन फॉर्मेटिंग लगाई, इसको बोल्ड किया, इस पे जो कलर लगाया है फॉन्ट कलर वो हमने रेड लगाया है और बैकग्राउंड कलर येलो लगाया है। अगर इस फॉर्मेटिंग को हम हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में हम एम यूज करेंगे। कंट्रोल एम यूज करते आप देखेंगे यहाँ से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन 7, -5 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा? तो यहाँ आपको बताना है कि अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करके वहां 7, -5 लिखते हैं तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन वन 35, ऑप्शन टू -35, ऑप्शन थ्री 12, ऑप्शन फोर 2। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू -35। -35 आंसर यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करता है, यानी 7 की मल्टीप्लाई जब -5 से होगी तो वहां पर आंसर आ जाएगा -35। देखिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर 7 टाइप करते हैं, उसके बाद कॉमा लगाकर -5 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही आप एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -35। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इज इक्वल टू 10 × 20 / 4 × 8 का मान क्या होगा? तो यहाँ आपको बताना है ऑप्शन वन 400, ऑप्शन टू 6.25, ऑप्शन थ्री 7, ऑप्शन फोर 500। देखिए जो लोग मैथ के स्टूडेंट रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक मैथ में रूल होता है बॉर्ड मास। बॉर्ड मास का यूज करके आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन 400। 400 यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि बॉर्ड मास जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो डिवाइड है उसको खोलना है, उसके बाद फिर जो मल्टीप्लाई है उनको करना है। यानी 20 को जब डिवाइड आप करेंगे 4 से तो वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 40, और 40 की मल्टीप्लाई जब आप 10 में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400। इसको समझ लेते हैं हम कैल्क पर चलकर। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाया है हमने इज इक्वल टू, पहले यहाँ 10 टाइप किया है, 10 के बाद मल्टीप्लाई साइन लगाया है, 20 लिखा है, फिर डिवाइड साइन लगाया है, फिर 4, और फिर मल्टीप्लाई किया है 8 से। जैसे आप एंटर कराएंगे तो आप आंसर देखेंगे यहाँ पर 400 आ जाएगा। देखिए अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बॉर्ड मास जो रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ रूल मैंने दे रखा है, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलने होते हैं, फिर उसके बाद जो डिवाइड है उनको डिवाइड कर देना होता है, मल्टीप्लाई जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस रूल का इस्तेमाल करते हुए भी हम अगर मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं और इस आंसर को वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रॉ और कॉलम को जोड़ने से क्या बनता है? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर अगर आप एक रॉ और एक कॉलम को जोड़ेंगे तो उससे क्या बनेगा? ऑप्शन वन सेल, ऑप्शन टू टेबल, ऑप्शन थ्री पोजिशन, ऑप्शन फोर डेटा। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन सेल। यानी जिस जगह पर कॉलम और रॉ
मिलते हैं वो एक सेल कहलाती है। इसको भी समझ लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चल के। देखिए यहाँ पर अगर हम कहीं भी किसी भी जगह क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये इधर से कॉलम काउंट हो रहा है और इधर से आपका ये रॉ काउंट हो रही है, यानी कॉलम नंबर ये आपका एच कहलाएगा और रॉ नंबर आपका 9 कहलाएगा। यानी दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है कि 9 नंबर रॉ और कॉलम नंबर एच, ये आपकी एक सेल कहलाती है। यानी ये जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, एक सेल कहलाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।